बहुत पुरानी बात है, दो पड़ोसी राज्यों में युद्ध छिड़ गया, जापान की घटना है। जो छोटा राज्य था उसका हारना निश्चित था, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। उसके एक सैनिक के बदले पड़ोसी राज्य के पास 10 सैनिक थे। उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हार तो निश्चित ही है, फिर व्यर्थ ही अपने सैनिकों को कटवाने से क्या मतलब, ये तो सरासर मौत के मुँह में कूदना है। इतनी छोटी सेना के साथ इतनी बड़ी सेना से लड़ना तो मूर्खता ही होगी। इससे अच्छा तो हम बिना लड़े ही हार मान लें और पड़ोसी राज्य की सारी मांगें स्वीकार कर लें। राजा भी सेनापतियों पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता था, क्योंकि बात तो सच थी, लेकिन राजा बिना लड़े हार भी नहीं मानना चाहता था। जब सेनापतियों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया तो राजा उसी राज्य के एक गाँव में रहने वाले एक साधु के पास गया। साधु का उस राज्य में काफ़ी नाम था, सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। राजा ने अपनी चिंता साधु को बताई और उसे अपनी सेना का सेनापति बनकर युद्ध में जाने का आग्रह किया। साधु जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सेना बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जो इंसान उनका सेनापति बनकर जा रहा था उसे युद्ध का कोई अनुभव ना था। उसे तो ठीक से तलवार पकड़नी भी ना आती थी, लेकिन साधु बड़े उत्साह में था। साथ ही राजा को भी साधु पर पूरा भरोसा था, इसलिए सेना को भी साधु के साथ जाना ही पड़ा। यहाँ सेनापति यह देखकर बड़े आश्चर्य में थे कि राजा कर क्या रहा है, आखिर राजा को इस साधु पर इतना भरोसा कैसे है कि यह इस युद्ध को जीत कर ही वापस आएगा। इस जिज्ञासा में सेनापति भी चुपचाप सेना के पीछे निकल पड़े। जहाँ दुश्मन सैनिकों का पड़ाव था वहाँ से कुछ दूर पहले रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता था। साधु उस मंदिर के बाहर रुका और अपनी सेना से बोला कि जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं और उनसे ये भी पूछ लेते हैं कि उनकी क्या मर्जी है, हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। अगर भगवान ने इशारा दे दिया कि हम युद्ध हारेंगे तो हम राज्य की तरफ वापस निकल पड़ेंगे, क्योंकि फिर लड़ने से क्या फ़ायदा, हार तो निश्चित है। लेकिन अगर भगवान की तरफ से जीतने का इशारा आता है तभी हम युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि सारे सैनिक बहुत डरे हुए थे, वे सभी बड़ी आशा के साथ मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। उस साधु ने कुछ देर तक भगवान की पूजा की, फिर उसने अपनी जेब में से एक सिक्का निकालकर सैनिकों के सामने चिल्लाते हुए कहा, मैं इस सिक्के को ऊपर उछालूंगा, अगर यह उल्टा गिरा तो इसका मतलब हम युद्ध हारेंगे, फिर तो हम वापस लौट जाएंगे, लेकिन अगर यह सीधा गिरा तो इसका मतलब हमारी जीत निश्चित है और फिर हम बिना डरे युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। सारे सैनिक टकटकी लगाकर साधु की तरफ देख रहे थे। उसने सिक्का हवा में उछाला, सिक्का सूरज की रोशनी में चमकता हुआ जमीन पर गिरा, वह सीधा था। साधु ने खुशी से उछलते हुए चिल्लाकर कहा, सारी चिंताएं छोड़ दो, सारा डर खत्म कर दो, हमारी जीत निश्चित है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब तो भगवान भी हमारे साथ हैं। सारी सेना उत्साह से भर गई, अब सबके मन में जीत की उम्मीद पक्की हो चुकी थी। उत्साह से भरी यह सेना सीधे जाकर दुश्मन सेना से भिड़ गई। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जीत की पक्की उम्मीद से भरी साधु की सेना का एक एक सैनिक दुश्मन के 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। अंततः साधु की सेना ने यह युद्ध जीत लिया। लौटते वक्त जब वे उस मंदिर से गुजर रहे थे तो साधु ने कहा, जाने से पहले भगवान का धन्यवाद तो करते चले जाएं। सभी लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा होकर भगवान का धन्यवाद करने लगे कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने हमें जिताया, अगर तू हमें जीतने का इशारा ना करता तो हम तो हार ही जाते। तभी साधु ने चिल्लाकर कहा, उससे पहले कि तुम भगवान का धन्यवाद करो मेरी जेब में जो सिक्का पड़ा है उसे देख लो। साधु ने सिक्का बाहर निकाल कर दिखाया, वह बनावटी सिक्का था, वह दोनों ओर से सीधा था, वह उल्टा गिर ही नहीं सकता था। साधु ने कहा, भगवान को धन्यवाद मत दो, इस जीत में उनका कोई हाथ नहीं, तुम जीतने की आशा से भरे हुए थे इसलिए जीत गए, तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना से भरे हुए थे। जीवन में भी सारे कामों की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार के ख्याल से डरे हुए हैं। कई बार कम सामर्थ्य के साथ भी सकारात्मक सोच से भरे हुए लोग जीतने की उम्मीद के दम पर ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हें करने का सामर्थ्य रखने वाले निराशा से भरे लोग कभी नहीं कर पाते। आनी से हमें सीखने को तो यही मिलता है कि सामर्थ्य का होना बड़ी बात नहीं है, आशा का होना बड़ी बात है, और इस बात का मन में दृढ़ विश्वास होना कि कोई एक काम है और वो जरूर होगा, अगर मैं अपनी कोई कसर ना छोड़ूं उस काम को करने में, मैं अपना संपूर्ण समर्पण दे दूं उस काम को करने में, तो वो काम होकर ही रहेगा। सकारात्मक सोच में बड़ी ताकत है, ये इंसान को बुरी से बुरी परिस्थिति में भी सही निर्णय लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता सुझाती है। एक सीख जो कि इस कहानी से हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं वो ये है कि जीवन में चाहे कितनी बड़ी मुसीबत
हमारे सामने क्यों ना आ जाए। हमारे भीतर उससे बाहर निकलने की एक उम्मीद हमेशा होनी चाहिए और हमें पूरे धैर्य और शांत दिमाग के साथ उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।